गुरदासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सनी देओल को लेकर एक अजीब दुविधा खड़ी हो गई है। जी आपको बता दें, सनी ने चुनाव के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल तो करा दिया है, लेकिन उस नामांकन के पर्चे में उन्होंने अपना असली नाम, जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स पे है, यानी कि अजय सिंह धर्मेंद्र देओल के नाम से दाखिल कराया है। ऐसे में भाजपा के नेताओं को लगता है कि कहीं वोटिंग पर इससे असर ना पड़े। जी हाँ, कई लोग इस नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। और ईवीएम मशीन पर भी भारतीय जनता पार्टी सनी देओल का नाम चाहती है और ये सनी देओल के ही नाम से लिखना चाहती है ताकि उनका नाम सबसे आगे आ सके। आपको बता दें, पार्टी ने इसके लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया है और ईवीएम पर अजय सिंह धर्मेंद्र देओल की बजाय सनी देओल लिखवाने के लिए आग्रह किया है। आपको बता दें, अभिनेता सनी देओल अब नेता में बन चुके हैं और नेता बनने के बावजूद उनको मुसीबतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, खासकर उनकी मूवीज़ के प्रमोशंस के लिए भी, क्योंकि वो जिस तरीके से अपना प्रचार करने के लिए गुरदासपुर की गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, तो उसी तरीके से वो अपनी मूवी का, यानी कि हाल ही में उनकी रिलीज़ होने वाली मूवी ब्लैंक का प्रमोशन करने के लिए ठीक से नहीं जा पा रहे हैं। ये उनको दोनों तरफ से मुसीबतें तो सामना करना पड़ ही रहा है। खासकर सबसे बड़ी बात की जाए उनके नाम को लेकर, तो उनका हकीकत का नाम यानी कि अजय सिंह देओल कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक परेशानी खड़ी कर रहा है। फिल्मी अड्डा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।